हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर की। टाइप्स ऑफ कलर कोड यूजिंग इन सीएसएस, कितने तरीके से कलर कोड को हम यूज करते हैं सीएसएस में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं जो प्री डिफाइन है सीएसएस के थ्रू, वो है नेम से। तो उसको हम प्री डिफाइन कलर जो नेम्स होते हैं, तो जैसे कलर हम लिखे यहाँ पर आप ब्लू लिख दें, तो ये हो गया पहला कलर। तो ये हो गया पहला कलर। अब हम दूसरा क्या यूज करते हैं, आरजीबी यूज करते हैं। आरजीबी का स्टैंड फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू। जैसे आप यहाँ पर अगर आरजीबी लिखते हैं तो ये देखिए रेड ग्रीन ब्लू। तो इसमें हम रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू देते हैं नंबर फॉर्म में, जो स्टार्ट होता है 02255। इसके अंदर की वैल्यू हम इसमें देते हैं, जैसे हम यहाँ पे जीरो दे दें, स्क्रीन को हटा दें, यहाँ पे जीरो दे दें, यहाँ पे जीरो दे दें, तो ये ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए, तो ये होता है आरजीबी कलर रेड ग्रीन ब्लू। और इसके बाद आता है आरजीबीए, जिसका स्टैंड फॉर्म होता है सेम रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा यूज करते हैं हम ट्रांसपेरेंट करने के लिए, अपने कलर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। ओके, तो जैसे इसी में बात कर लेते हैं इसकी आर जी बी ए। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको यहाँ से दिख जाएगा, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं अल्फा को, जैसे 0 0 0 हो गया आरजीबी। और इसमें हम ट्रांसपेरेंट करते हैं 5। अब देखिए इसका कलर थोड़ा डल हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ये हो गया ट्रांसपेरेंसी। अगर इसको 1 कर देंगे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए, और इसका स्टार्ट होता है पॉइंटिंग 0.12 1.0। इसको हम यहाँ से 0.1 से लेकर 1.0 तक यूज करते हैं। 1 कर देंगे मीन्स 1.0, तो ये पूरा फुल्ली अनट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और 0.9 करेंगे तो ये माइनस सब ट्रांसपेरेंट होगा। ओके, तो तीसरा हो गया हमारा आरजीबी। अब चौथा कलर यूज करते हैं हम हेक्स कोड यूज करते हैं कलर के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है और जिसका रिप्रेजेंट करते हैं हम हैशटैग से। और इसका फुल फॉर्म होता है रेड हेक्सा, रेड डबल दो बार रेड और दो बार ग्रीन और दो बार ब्लू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 6 डिजिट होते हैं। ओके, तो रेड ग्रीन ब्लू, तो इसको हम देख लेते हैं हेक्स कोड। हैशटैग 00 11 33, ये कोई कलर बन गया। अब देखते हैं 19F2B, तो ये ग्रीन कलर बन गया। तो ऐसे इसका कलर होता है। आप इसको जाकर नेट पे गूगल पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हेक्स कोड हो गया, जिसको इसकी पहचान ये है कि इसका हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये चार हो गए
और पांचवा होता है HSL कलर कोड, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस। इसकी इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 360 वैल्यू और परसेंटेज में लेते हैं इसके वैल्यू को। जैसे आप दिखाते हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए HSL जैसे आप लिखेंगे तो इसका फुल फॉर्म आ जाएगा ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। ओके इसको यूज़ करते हैं हम, तो ह्यू कितना देना है 50% दे देते हैं, HSL कितना 100% दे देते हैं, और लाइटनेस कितना कितना हम लाइटनेस देना चाहते हैं मान लीजिए 200 देते हैं। और 360 120 ये देते हैं, 360 ये देते हैं, और 0 ये देते हैं, इसका ये कुछ। तो ऐसे ही इसको इसके कलर को हम बनाते हैं। ओके अब इसके बाद आता है लास्ट HSL A भाई जो RGBA में यूज करते हैं, तो इसमें भी वही HSL A में इसका फुल फॉर्म होता है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस एंड अल्फा, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस एंड अल्फा। ओके तो इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू होता है जो ट्रांसपेरेंट बनाता है कलर कोड को। और इसको हम 50% 40% 20% और कितना हम उसको लाइटनेस करना चाहते हैं तो वो देते हैं। इसका कोड परसेंटेज का तो ये शायद बैकग्राउंड पे अप्लाई होते हैं, ग्राउंड पे या कलर पे होते हैं, यहाँ पे कुछ हो नहीं गया बट आपको यहाँ से दिखाते हैं। HSL ये 360 डिग्री से ये देखिए प्यून 120 100 और 50% ह्यू को हम परसेंटेज में शो करते हैं, बाकी सैचुरेशन और लाइटनेस को परसेंटेज में शो करते हैं, और जो अल्फा जो ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज करते हैं तो उसको भी परसेंटेज में यूज नहीं करते। ओके क्लियर, थैंक यू गाइस।